ये जो जिनस देखुंट यही धड़ा जिनसर आपण को गोटे चुटकी ही दरकार गोटे चुटकी ही आपणकर गई सफिसीयंट हे तो यही जिनसटा कौन आम किपर यूज करवा या द्वारा आमर प्लांट्रे गचरे कौन कौन सब बेनिफिट हे आज मुझे विषय आप सहित सेयर करी तो थम भी देखते जापारे आज टपिकटी कौन आज टपिकटी हूँ पिंपुड़ी को लेकिन आपण गचरे किसी ना कि पिंपुड़ी होने पिंपुड़ी ट्रिटमेंट आम किपर करवा जेहेतु खरा सीजन आसीगला तो यही खरा सीजन पिंपुड़ी मैंने आमर जो सॉइल अच्छी जो मट्टी अच्छी मट्टी भितर रही था सहित से जो डाल अच्छी डाल कि पिंपुड़ी जावास करती जावास कौन करती डाल कि पोक लगी पिंपुड़ी मैंने जावास करती तो से पोक को आम किप रिमुव करवा आ पिंपुड़ी को आम एम कौन जिनस दवा जहाद्वारा कि आम गचरे पिंपुड़ी आउ नेक्स्ट टाइम हम ना तार डाल पिंपुड़ी हम ना कौन से जिनस अच्छी आम किपर व्यवहार करवा आसटा कौन ताको आपण मार्केट रू भी बहुत ही कम प्राइस रे आनी पारे तो जिनसटा कौन आम किपर यूज करवा के क्वांटिटी यूज करवा कौ कौ गचर यूज करवा कौ कौ गचर यूज करवा ना आज मुझे आप सहित सेयर करी ये व्यवहार कर सारापर आम तर कौन टेकिंग केयर करवा व्यवहार कर सारापर कौन आम तर जत्न नवा जहाद्वारा कि आम गचटी हेल्दी र तो आशा करछि कि आपनको आज भिडियोटी भल लगे जदि भिडियोटी भल लगे प्लीज गोटे लाइक करेंगे जदि चैनल को नुआ कर देखुं तो सब्सक्राइब करके जमार भी भूल पाना ये जो जिनस देखुं या को आम दुईट प्रणाली यूज करवा व्यवहार करवा तो कौन कौन से प्रणाली अच्छी भिडियो को कंटिन्यू करेंगे तो प्रथम तह जदि आप गचरे पिंपुड़ी लगी आपण यही जिनस को मार्केट रू आनीपारे ये जो जिनस अच्छी आपन को बेस प्राइस भी पड़ेन यार दाम खूब कम यही जिनस को व्यवहार करने पूर्व गचर सॉइल गचर मट्टी को आम टे हल्का हल्का एपट सेपट करदे जहाद्वारा कि जदि किसी मटीर भी किसी पिंपुड़ी लगे सी भी उपर को पलि आस तो देखते यहपर भाव में तार जो मटी अच्छे मटी को हल्का हल्का लुज करदे यहीपर भाव में आपंकर जितकी गचर पिंपुड़ी लगे आपड़ ट्रिटमेंट करें आई ट्रिटमेंट कला बेल आपान रखिए जपर आप इवनिंग टाइम करेंगे संध्या साढ़े चार करूँ रे बहुत भल बेनिफिट मिल तो प्रथम तार सॉइल को हल्का हल्का आम लुज करदे लुज आम एपं करवा जब पिंपुड़ी किसी भितर थी से सब उपर को पलि आसवे तो देखो ये जो मूड़ अच्छी बेले बेले कौन पिंपुड़ी मैंने मूड़ जो चेर थाए खाई आहाँफल कि आम गचटी बेले बेले मरी भी जाए ये जो जिनस देखुं ये हूँ कपूर कपूर को तो प्राय समस्ते जानते ठाकुर पूजा भी कपूर लगी था कपूर को आम आज व्यवहार करवा ये मुझे गोटे कपूर आनी कपूर चारि भागर गोटे भाग ही नेबी एथेरे बेसी कपूर आम यूज करवा ना खूब कम कपूर यूज करवा गोटे चुटकी ही यूज करवा गोटे गचपी गोटे चुटकी ही काफी देखो ये कपूर को मुझे चूना करदे प्रथम आप कपूर को चूना करदेवि कारण चूना कले बहुत भल बेनिफिट मिलता है ता सहित आपड़ जब चाहिए पाउडर फॉर्म रे भी यूज करेंगे पानी रे पकेले ही से मिले से किसी प्रोब्लेम ना तो क्वांटिटी जानापे चूना करवा निहाती दरकार देखते ये मो गोटे लिटर मो नॉर्मल साधा पानी नहीं साधा पानी आम ए कौन करवा आम जो कपूर नहीं चाहिए मात्र गोटे दुई चुटकी आम एड करवा देखते यहपर भाव में मुझे गोटे दुई चुटकी एड करदेली आड कर सारे आपको टी गोलद जहाद्वारा कि कपूर टी बहुत भल भाव पा सहित मिसीजब मिसी सारापर आम आपको घंटे दुई घंटा किंवा अति बेसि तीन घंटा या कौन सी छाई जगार रखिदे जहाद्वारा कि कपूर जो स्मेल अच्छे से पा सहित भल भाव मिसीजब तो बर्तमान या क्या देखिए गोटे छाई जगार ही रखिदेवि तापर ये देखो दुई रु तीन घंटा पर आम जो कपूर जहाँ अच्छे से पानी भल भाव मिसी सारी बर्तमान ये आउ आम कि पा आड करवा ये मुझे गोटे लिटर नहीं आउ नॉर्मल पानी ए 500 ml आड करुच्ची मैंने टोटाली डेढ़ लिटर आमर हो गला तो बर्तमान आम कौन करवा जेकोसी गचर पिंपुड़ी लगुच से ही गचर आम या स्प्रे करवा देखते यहपर भाव में मुझे स्प्रे करुच्ची आपरी भाव में स्प्रे करेंगे पूरा गचर कांडर आरंभ करके पत्र जाए सब थे स्प्रे करें जो यहाँ कौन हम ना जो पिंपुड़ी अच्छे नेक्स्ट टाइम के गच को आसबे ना जो कपूर अच्छी तार स्मेल रे पिंपुड़ी मैंने आसबे ना स्प्रे कर सारापर ग छाई ही रखे तापर आम या आउ जो फॉर्म रे दबा सी हूँ पाउडर फॉर्म रे प्रथम तो आम लिक्विड फॉर्म रे ये भाव दे पारे जो पाउडर फॉर्म रे दबा आम एथर कौन करवा दुई चुटकी नहीं जावा दुई चुटकी नहीं कि आम जो मटी खोलुले जो गचरे पर्टिकुलर गचरे से गचरे गोटे राउंड आकार रे बुलाई दबा बा से गचर मूल को किसी समय छाड़ी कि डिस्टेंस छाड़ी गोटे
ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ନେଇଛି, ଆପଣ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ୟାକୁ ପାସ୍ କରିକି ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାସ୍ କରି ଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ସେଥିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଗଛରେ କିଛି ପୋକ ଥିବ କି କ'ଣ ଥିବ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ସେ ସ୍ପ୍ରେ ଦ୍ୱାରା ବି ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସିଏ ହେଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା ତା'ର ଗୋଟେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ନେଇଛି ଆମର କପୁର, ଗୋଟେ ଚୁଟକି ନେଇଛି ହଳଦୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ନେଇଛି। ଆଲୋଭେରା ଯଦି ଜେଲ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଯଦି ଅଛି କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ବି ଗୋଟେ ଠୋପା ନେଇପାରିବେ। ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର୍ ତିଆରି କରିଦେବା ବା ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି। ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ଗଛର ଯେଉଁ ଡାଳ ଅଛି ଆମେ ଡାଳରେ ଦେଇପାରିବା, ତା'ର ଯେଉଁ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ମଝି ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ପୋକ ଲାଗିଥିବ ସେଠି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବା ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଲଗାଉଛି, ଆପଣ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିକି ଗଛରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତ ଏହି କିଛିଟା ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କର୍ପୂରକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆହୁରି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟାକୁ ସ୍ପ୍ରେ ବଟଲ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ବି ୟାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ତ ଆଉ ଯଦି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ କପୁର ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ କହିଲି ତାକୁ ଆପଣ 2-3 ଦିନ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ବି ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତା ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟା ଅଛି ଟିକିଏ ଲୁଜ୍ କରିଦେଉଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କପୁରର ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଟିକିଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଭାବେ ରହିବ। ଆଉ କପୁରକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ତା'ର ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ କପୁରକୁ କିପରି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତା'ର 3 ମେଥଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କଲି। ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେଇ ମେଥଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କପୁରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବେଶୀ ନେବେ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ହିଁ ନେବେ, କାରଣ ବେଶୀ ନେଲେ ଗଛଟି ଜଳିବାର ଚାନ୍ସ ରହିବ। ଅଳ୍ପ ହିଁ କପୁର ନେବେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ହିଁ ନେବେ, ଆଉ ବେଶୀ କପୁର ନେବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗୁଛି ସେଇ ଗଛରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ୟୁଜ୍ କଲାବେଳେ ଟିକିଏ ସାବଧାନତା ସହିତ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କୌଣସି ଫୁଲ୍ ସନ୍ରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଆକୁ ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗା ହିଁ ରଖିବେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେକୌଣସି ଗଛରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଆପଣ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ହେଉଛି କୌଣସି ପତ୍ରରେ ବା ଗଛର ଡାଳରେ ତାହେଲେ ଏହି କିଛି କାମ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ କରିପାରିବେ। ତ ବାସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇକି, ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ।